बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट ग्रेशियस एंड द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। माई नेम इज़ इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन एंड आई वुड लाइक टू वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू बाई सेइंग द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो है हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जिस तरह हम देख चुके हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, आज हमने उससे मुतलका जो है कुछ न्यूमेरिकल जो है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल, ये न्यूमेरिकल एक आपके पास दिया गया है, न्यूमेरिकल नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक कैटल इज रेटेड एट 25 वाट। इलेक्ट्रिक कैटल है, उसकी वाट जो है बेटा ये पावर का यूनिट होता है। इसका मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रिक कैटल है उसकी पावर जो आपके पास गिवन है वो 25 वाट गिवन है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, ए पार्ट में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड इन 2 सेकंड। आपने बताना है कि उस इलेक्ट्रिक कैटल की मदद से 2 सेकंड में कितनी हीट जो है वो जनरेट होती है, एक ये चीज़ आपने बतानी है। बी पार्ट में आपसे कह रहा है द राइज इन टेम्परेचर, कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर का मतलब बेटा जहाँ पे आपके पास जो है वो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ रहा हो, डिक्रीमेंट आ रहा हो, राइज आ रहा हो टेम्परेचर में या फॉल ऑफ टेम्परेचर आ रहा हो, इन चारों बातों का मतलब एक ही है कि आपने टेम्परेचर चेंज जो है उसको फाइंड करना है, उसको डिस्कस करना है। सो यहाँ पे आपके पास कह रहा है राइज इन टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। उसके लिए आपके पास मैस की वैल्यू गिवन है 150 ग्राम, वाटर है, ठीक है, और इफ़ द इलेक्ट्रिक कैटल इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स। पहले जो है हमने हीट फाइंड की थी 2 सेकंड की। अब आपके पास अगर उस कैटल के अंदर जो है 150 ग्राम्स ऑफ वाटर ऐड किया जाए और उसको 5 मिनट्स के लिए ऑन किया जाए तो उसका टेम्परेचर राइज कितना होगा, उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ होगा, हमने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो पहले बेटा इससे मुतलका फार्मूले देख लेते हैं जो हमने आज तक पढ़े हैं, इस्तेमाल किए हैं। एक पावर वाला फार्मूला जो है वो हमने डिस्कस नहीं किया था, वो हम आज कर लेंगे डिस्कस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अब आपके पास पी इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। इसमें ये पी आपके पास पावर है, हीट जो है क्यू जो है वो आपके पास हीट सप्लाइड है या हीट गिवन है, और टी जो है वो टाइम है जो आपने फाइंड करना है, ठीक है। फर्दर जो है हीट से रिलेटेड हमने फार्मूला पढ़ा था, क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसमें Q जो है वो हीट सप्लाइड होती है, जैसे यहाँ पे ये Q है वैसे ही यहाँ पे ये Q है, और ये मैस M जो है वो मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा थीटा जो है ये आपके पास टेम्परेचर चेंज को शो कर रहा है। अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास पावर दी गई है 25 वाट, ठीक है। हमने ए पार्ट में हीट जनरेटेड फाइंड करनी है 2 सेकेंड्स के अंदर। सो हमारे पास जो टोटल टाइम गिवन है वो आपके पास 2 सेकंड है। तो यहाँ पे इस पावर के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए पी इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो टी दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये पी इंटू टी आपके पास 25 इंटू 2, डैट विल बी इक्वल टू 50 जौल। ये 50 जौल के बराबर आपके पास जो है वो पावर निकल आती है, हीट सप्लाइड निकल आती है। इसका मतलब वो कैटल आपको 2 सेकंड्स के अंदर जो है वो 50 जौल की हीट जो है वो प्रोवाइड करेगी। उसके बाद बेटा यहाँ से आपके पास इस क्वेश्चन का बी पार्ट शुरू हो जाता है। बी पार्ट में आपके पास कह रहा है कि अगर आपके पास मैस ऑफ वाटर आपके पास 150 ग्राम्स गिवन है, टाइम जो आपके पास लग रहा है वो आपके पास लग रहे हैं 5 मिनट्स, तो टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो बेटा आपके पास सेकंड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए हमने 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये 560 आर 300 सेकंड्स आ गए। इसमें आप मालूम क्या करना चाहते हैं, आप राइज इन टेम्परेचर, डैट मीन्स आप इसके अंदर डेल्टा थीटा जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। अब इसमें एक चीज़ बेटा ये है कि आपके पास ये मैस है ग्राम के अंदर। अब इस मैस को आपने ग्राम में रहने देना है या किलोग्राम में रहने देना है वो डिपेंड करेगा इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट के ऊपर। अगर तो इसका यूनिट जो है वो जौल पर किलोग्राम में होगा तो फिर यहाँ पे आपका मैस किलोग्राम में होना चाहिए, अगर वो जौल पर ग्राम के अंदर होगा तो आपका मैस जो है वो ग्राम में ही रहेगा। जैसा कि अब उसने बुक पे आपको मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4 जौल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब जो आपका टेम्परेचर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा और जो आपका जो है वो मैस है वो ग्राम के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैस ऑलरेडी हमारे पास ग्राम के अंदर है, इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
सो सबसे पहले जो है यहाँ पे चूँकि टाइम फ्रेम चेंज हो गया है, उसकी पावर भी हमें पता है 25 वाट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले इसको टोटल हीट सप्लाइड फाइंड करनी थी। उसके लिए हमने P इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी फार्मूला अप्लाई किया और T उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होकर क्यू इज़ इक्वल टू पी इंटू टी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपके पास इस तरह से होगा कि ये क्यू में पी की वैल्यू 25 थी वो हमने प्लेस कर दी, उसके बाद जो है वो टाइम की वैल्यू 300 थी उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 7500 जूल्स आ जाएगा। फर्दर जो है वो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ये फार्मूला अप्लाई किया, Q की वैल्यू 75 थी, मैस 150 ग्राम था, C की वैल्यू 4 थी और डेल्टा थीटा हम फाइंड करना चाहते थे। 150 और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे तो ये आपके पास 75/600 आ जाता है, तो यहाँ से आपके पास टेम्परेचर चेंज जो है वो 12.5 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, बहुत आसान फॉर्म क्वेश्चन है इसके, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।